हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त कोविड वैक्सीन प्रोग्राम मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा वादी महमूद सुतून नंबर 230 के पास मुनाकिद किया गया। इस दौरान मेहमान खसूसी के तौर पर AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन महराज, AIMIM राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग, सुलेमान नगर डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन, मस्जिद मुस्तफ़ा और मस्जिद हसैन का तबसरा सदर MA अजीज़ एक्स कॉरपोरेटर अतापुर और MIM वदीगर मौजूद थे। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के सारे जिम्मेदार आए, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ जिन तक पहुँच रही है, कि वैक्सीनेशन ही एक वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हम ये कोविड का मुकाबला कर सकते हैं और कोविड से मुतासर होने से बच सकते हैं। तो मैं आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप वैक्सीनेशन लीजिए। गवर्नमेंट के भी कई सेंटर्स हैं जहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से भी ये काम किया जा रहा है और इसमें फ्री वैक्सीनेशन का मुख्तलिफ इलाक़ों में, और आज उसी सिलसिले में यहाँ पे राजेंद्र नगर में मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा वादी महमूद में ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और काबिल मुबारकबाद है सारे वो स्टाफ जो डेढ़ दो साल से कोविड जब से आया अपने खिदमात को पेश कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, सैनिटेशन के वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है और कई NGOs भी इसमें आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और मैं जितना भी तारीफ करूं कम है इन सारे लोगों का, और उसके साथ ही साथ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन भी अपनी जानिब से अब से नहीं बल्कि अरसे दराज से जो भी उनकी जानिब से मुमकिन कोशिश होती हो सकती है सेहत के शोबे में काम कर रही है, और हेल्थ सेंटर्स भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी छोटे चलाती है मुख्तलिफ इलाकों में, और गरीब लोगों की हेल्पिंग हैंड के जानिब से जो भी मदद व ताबुन होता है वो भी करती है। तो मैं हेल्पिंग हैंड के जिम्मेदारान से कोविड वैक्सीनेशन का स्पेशल प्रोग्राम मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा राजेंद्र नगर पिलर नंबर 230 से इसका आज आगाज़ किए। चंद्रायन गुट्टा MLA और तेलंगाना असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज ये प्रोग्राम में शिरकत करें और हमें आपके सामने बयान दिए और काफ़ी लोगों को मोटिवेट करें। मुख्तसर सी बात यह है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन तो आमतौर पर चल रहा है हर जगह, इसकी ख़ास बात यह है कि ये अगले 6 महीने में हमारे जितने हेल्थ सेंटर्स हैं जो मस्जिद के तहत चलते हैं और जो बस्तियों में हैं, स्लम्स में हैं, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जो PHCs हैं उनके पार्टनरशिप और अजीम प्रेम की फाउंडेशन की स्पॉन्सरशिप से गुज़िश्ता और 6 महीने इंशाल्लाह चलेगा प्रोग्राम। ये हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और घरों पर जाके लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं, डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या नो डोज, फिर उनको कैब्स पे ला रहे हैं और वैक्सीनेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत बहुत अच्छी हुई। आज यहाँ तकरीबन 100 के ऊपर लोग जमा हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वॉलंटरी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस तरीके से चला तो बहुत जल्द से जल्द ये एरिया सारे सैचुरेट हो जाएंगे और 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब सुन रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका से वायरस आ रहा है, तो अभी थर्ड वेव के इम्कान है, वैक्सीन इज़ द ओनली सेवियर, मास्किंग, वैक्सीनेशन, यही हमारे पास दो हथियार है जिससे हम कोविड से बच सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि
सक्सेसफुल होगा। थैंक यू।